देखो एप्लीकेशन ऑफ बायट सेवेट लॉ में, क्योंकि बायट सेवेट लॉ आपको स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से डीबी देता है, पर हम क्या चाहते हैं पूरी कंप्लीट वायर के अंदर करंट है और कंप्लीट वायर का कंट्रीब्यूशन टोटल बी का क्या होगा ये हमें निकालना है। तो पहली एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। उस डायग्राम से पहले मैं अपना डायग्राम बनाता हूं। तो एक्चुअल में ये होने वाला है कि आपको मैं इस क्वेश्चन में या इस टॉपिक में ये करवाऊंगा कि मान लो इस वायर में आई अमाउंट ऑफ करंट है और ये बड़ी वायर है, कहां से कहां तक, एक्स से लेके वाई तक। और क्वेश्चन आएगा कि सपोज इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूर, देखो वो आपसे कभी नहीं पूछेगा कि 45 डिग्री पे 30 डिग्री पे ना, ये एप्लीकेशन पूछेगा कि अगर करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, टेढ़ी भी नहीं स्ट्रेट वायर है, बिल्कुल स्ट्रेट देगा, और उस स्ट्रेट वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए दूर, परपेंडिकुलर वर्ड जरूरी है, आपको टोटल बी बताना है क्या होगा पूरी वायर का, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो लॉजिक ये बोलता है कि आप एक काम करें, इसमें पहले एक स्मॉल एलिमेंट लें, एक छोटा एलिमेंट लें, क्योंकि सीधा भी तो आएगा भी नहीं। इस स्मॉल एलिमेंट, ये आर वेक्टर है, इस स्मॉल एलिमेंट से थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस पे स्मॉल बी निकालें, कैसे, बाय यूजिंग बायट सेवरेट्स लॉ, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा। तो इसमें क्या आएगा, आई डीएल साइन थीटा, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर, जो कि यहां पर क्या है थीटा, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो पहले आप डीबी निकाल लें, फिर ये डीएल का कंट्रीब्यूशन डीबी है, फिर अगले डीएल का डीबी है, अगले डीएल का डीबी, डीबी 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 कर करके सभी का कंट्रीब्यूशन मिलाएं और टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी निकाल लें, ये करने वाला। तो बात समझ में आ रही है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो क्या करने वाले हैं समझ में आ रहे हैं इस एप्लीकेशन में? तो इसको करने के लिए तो आप एक काम करें, प्लीज डायग्राम साथ साथ बनाएं, रफ में बनाए जाए। सपोज करो इसमें करंट आई है और ये वायर है एक्स से लेके वाई तक, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए, जहां पर आपको क्या निकालना है बी। ठीक, रफ में जरूर बनाएं ताकि आपको प्रैक्टिस हो डायग्राम बनाने की रफ। ठीक है यहाँ तक? तो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा, आपको लेंथ ऑफ द वायर नहीं गिवन होगी। आपको के लेंथ नहीं गिवन तो डीएल की इंटीग्रेशन एल में क्वेश्चन कैसे निकालूंगा, लेंथ नहीं गिवन होगी आपको। लेंथ की जगह पता है क्या गिवन होगा, लेंथ की जगह वो आपको ये एंगल देगा कि लोअर पार्ट ने एंगल इसके साथ बनाया मान लो फाइव वन, और उसी तरीके से जो अपर पार्ट है इसके साथ एंगल कितना बनाया फाइव टू, ऐसे फाइव वन एंड फाइव टू साथ साथ डायग्राम बना लेना प्लीज, फाइव वन एंड फाइव टू। यहां तक इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें एक स्मॉल एलिमेंट लेना है, ये आपने लिया इसका स्मॉल एलिमेंट डीएल वेक्टर, जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेगा कितना डीबी। ठीक है, इस डीएल वेक्टर ने, ये डीएल वेक्टर आपने लिया कहां पर ये भी नोट कर लें, ये डीएल वेक्टर आपने जो लिया वो इस पॉइंट से, इस लाइन से मान लो एल डिस्टेंस पे लिया।
अब मुझे क्या पता यार तुम डीएल कहाँ लोगे, अगर तुमने यहाँ लिया तो एल बड़ा होगा, नीचे लिया एल और बड़ा होगा, नीचे लिया एल और बड़ा, मुझे क्या पता का, तो वेरिएबल डिस्टेंस है एल, एल पे लिया। इस डीएल वेक्टर ने एंगल बनाया किसके साथ, जहां पे बी निकालना है, यहां पे एंगल जो बनाया वो कितना बनाया, फाई। तो ये एंगल क्या बनेगा, फाई, राइट। तो क्योंकि अगर आपने डीएल नीचे लिया तो फाई बढ़ जाएगा, डीएल ऊपर लिया फाई कम हो जाएगा, डीएल बिल्कुल सेंटर में ले लिया तो फाई जीरो हो जाएगा, ठीक। और लास्ट ये आपने लिया आर वेक्टर, मतलब इस डीएल ने आर डिस्टेंस दूर क्या निकालना है, सबसे पहले डीबी, सबसे पहले क्या निकलेगा, डीबी, किसकी वजह से, डीएल की वजह से। और डीएल वेक्टर और आर वेक्टर में सपोज करो ये एंगल कितना है, थीटा, तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर में एंगल क्या है, थीटा। तो अब बायट सेवर्ट लॉ क्या कहता है, डीबी क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, क्योंकि डीएल और आर में एंगल क्या है, थीटा, डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। तो क्या है, पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। समझ में आ रहा है यहां तक, सही है। तो डायग्राम सबको समझ में आ गया, तो चलते हैं यहां पर, ये देखो सेम डायग्राम ये बनाया हुआ है, एक्स और वाई वायर है, ए डिस्टेंस है, जहां पे बी निकालना है, ऊपर का एंगल फाई टू, नीचे का एंगल फाई वन, डीएल वेक्टर एल डिस्टेंस पे है, ये आर है, ये ए है, ये थीटा है, और ये एंगल क्या है, फाई है। डायग्राम क्लियर है। पहला स्टेप, डीबी की वैल्यू बायट सेवेट लॉ भी करके दिखाया, इस एलिमेंट ने वहां पर बी में क्या कंट्रीब्यूशन करना है, डीबी क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, राइट। तो किसकी वैल्यू आ गई, डीबी की वैल्यू आ गई। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90, सबको पता है ये एंगल क्या है, 90, ये एंगल क्या है, थीटा, और ये एंगल क्या है, इतने वाला सिर्फ फाई, दिस इज फाई, ये वाला एंगल इज फाई। तो मुझे पता है ये टोटल फाई वन है, तो ये एंगल सिर्फ कितना है, फाई। तो फाई प्लस थीटा का सम यहां पर क्या आएगा, 90। तो ये स्टेप भी क्लियर है यहां पर, थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90, कोई डाउट, ठीक। इसमें थीटा को क्या पुट कर सकते हैं, 90 माइनस फाई, तो थीटा को क्या पुट कर दिया, 90 माइनस फाई, जो कि क्या आएगा, कॉस ऑफ, यहां तक क्लियर है। मॉडिफाई कर दिया बैट सबेट लॉ, थीटा की जगह फाई में कन्वर्जन कर ली, राइट, ये भी क्लियर है। बस ये स्टेप ध्यान से देख लेना, इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस फाई क्या होगा, बोलो कॉस फाई ए अपॉन आर, इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस फाई होगा ए अपॉन आर, इस राइट एंगल ट्राइंगल में टेन फाई क्या होगा, एल अपॉन ए, टेन फाई क्या होगा, एल अपॉन ए, तो कॉस फाई होगा ए बाय आर, टेन फाई होगा एल बाय ए, लिख लिया। यहां से r की वैल्यू a अपॉन cos phi और 1 अपॉन cos phi क्या होता है, secant phi। तो मैं इस फॉर्मूले में r की जगह क्या रिप्लेस करूंगा, a secant phi, पहला स्टेप ये होगा। दूसरा, tan phi क्या है, l by a, क्रॉस मल्टीप्लाई करके l क्या है, a tan phi। अब प्रॉब्लम ये है कि ये l दे रहा है, मुझे बायट सर्वेट लॉ में l नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, dl चाहिए, तो मैं डिफरेंशिएट करता हूं दोनों साइड्स को, तो ये क्या आएगा, डीएल, ये ए तो कांस्टेंट है, टेन फाई की डिफरेंशिएशन होती है सीकेंट स्क्वायर फाई, याद रखनी है, और इनटू एंगल की डिफरेंशिएशन डी फाई। कोई कहेगा विद रिस्पेक्ट टू नहीं है, तो कर लो, विद रिस्पेक्ट टू करोगे अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर आ गया, राइट, क्लियर है यहां तक। तो ये आपने डीएल निकाल दिया, ये आपने क्या निकाल दिया, आर निकाल दिया। एक काम करो, बायट सर्वेट लॉ में आर की जगह पुट कर दो ए सीकेंट फाई का स्क्वायर, और डीएल की जगह पुट कर दो ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, राइट। तो इस डीएल की वैल्यू को पूरी की पूरी यहां पुट कर दो, आर की पूरी वैल्यू इसका स्क्वायर यहां पुट कर दो, कोई डाउट इसमें,
तो जब आप यहां पुट करोगे, इसका स्क्वायर ओपन करोगे, secant स्क्वायर a से a कैंसिल, आपको सिंप्लीफाई करके ये मिलेगा, ये मिलेगा। अब सारी इंटीग्रेशन phi की टर्म में चल पड़ी, एंगल d phi में। अब लगाते हैं लिमिट। लिमिट में हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी किया था वैसे ऐसा एग्जांपल कि अगर मान लो ये करंट कैरिंग वायर है और ये a परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक्सिस है, तो मान लो ये ओरिजिन है, x एक्सिस है, तो अगर आपने लोअर एंड लेना है वायर का, तो आपने एंगल में लिमिट क्या लेनी है, माइनस फाइव। नीचे जाने का मतलब माइनस, ऊपर जाने का मतलब प्लस, तो लिमिट क्या लगेगी, माइनस फाइव वन का मतलब लाइन के नीचे हो, प्लस फाइव वन का मतलब लाइन के ऊपर हो। तो आपने पहले लिमिट ये लेना है, तो फाइव क्या बनेगा, माइनस फाइव वन, करते 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 आखिरी लिमिट क्या आएगी, प्लस फाइव टू। तो लिमिट चेक करो, माइनस फाइव वन से प्लस फाइव टू। कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, एक बार फाइव की जगह अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस, ये आंसर आ गया। फॉर्मूला बुकलेट में नोट करो ये कि स्ट्रेट वायर है, ये डायग्राम नोट करो, इस डायग्राम के साथ ये फॉर्मूला नोट करो। आज के बाद अगर स्ट्रेट वायर आएगी एंगल फाइव वन फाइव टू, तो बी का फॉर्मूला नोट करो। डी बी नहीं है, ये टोटल बी है, म्यू नॉट बाई फोर पाई आई बाई ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू साइन ऑफ फाइव वन प्लस साइन ऑफ फाइव टू। पॉजिटिव का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इस लाइन के नीचे एंगल लेते हो तो लिए जाते हैं नेगेटिव, और अगर ऊपर लेते हो लिए जाते हैं पॉजिटिव। अब आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे मैथमेटिकली कि आपने एंगल नीचे लिया कि ऊपर लिया, माइनस प्लस से। अगर दोनों पॉजिटिव लेंगे तो कैसे पता लगेगा कि वो ऊपर की तरफ एंगल बन रहा है कि नीचे की तरफ, तो इसलिए माइनस और प्लस लेते हैं। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो अगर एक बार फिर से करवाना हो तो बड़ा सिंपल है, ये डायग्राम तो बना लेंगे आप, डायग्राम में बायट सेवेट लॉ लिख लेंगे आप। बायट सेवेट लॉ में थीटा प्लस फाइव 90, तो फाइव थीटा को क्या पुट कर लेंगे, 90 माइनस फाइव जो कि कॉस फाइव, ये वैल्यू पुट करेंगे। कॉस फाइव की वैल्यू यहां पर क्या होगी, कॉस फाइव की वैल्यू ए बाई आर, और टेन फाइव क्या होगा, एल बाई ए। ये देखो, तो कॉस फाइव की और टेन फाइव की वैल्यू, इस कॉस फाइव से आर निकाल लेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करके डीएल निकाल लेंगे, डीएल और आर को यहां पुट करके सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा, फिर लिमिट पुट करेंगे और आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक, एनसीईआरटी की डेरिवेशन है ये। अब एक स्पेशल केस आएगा कि मान लो आपकी जो वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ की है। इनफाइनाइट लेंथ क्या होता है, बहुत बड़ी वायर है। जब वायर बहुत बड़ी है तो ये देखो, अगर वायर बड़ी है तो एंगल बड़ा है, वायर और बड़ी है एंगल और बड़ा है, वायर और बड़ी है एंगल और बड़ा है। अगर वायर बहुत ही बड़ी है तो एंगल बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़े एंगल के लिए लिमिट क्या पुट की जाती है, पाई बाई टू। पाई बाई टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया था, इनफाइनाइट वायर के लिए लिमिट क्या पुट की जाती है, पाई बाई टू। तो एक काम करते हैं, अगर वायर दोनों तरफ से इनफाइनाइट है तो फाई वन भी पाई बाई टू और फाई टू भी पाई बाई टू, पाई बाई टू पाई बाई टू, साइन नाइनटी साइन नाइनटी क्या होता है, वन प्लस वन टू। आंसर इनफाइनाइट वायर, तो लिखे फॉर्मूला रजिस्टर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फॉर एन इनफाइनाइट वायर बी का फॉर्मूला ए डिस्टेंस दूर क्या होगा, म्यू नॉट बाई फोर बाई टू आई बाई ए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और अगर ग्राफ प्लॉट करने को आ जाए तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, ये ग्राफ आएगा ऑब्जेक्टिव में आएगा मार्क करने को। तो यहां तक क्लियर है,